वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शिवानंद आदि उनके पार्षद गणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रीमद स्वामी भोमानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर विद्यमान दिव्य सत्ता को प्रणाम करके आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की चर्चा हम इस शिविर में करने वाले हैं। वैसे तो प्रथम अध्याय भी महत्व का है, बिना प्रथम अध्याय के द्वितीय अध्याय प्रारंभ नहीं होता, परंतु फिर भी द्वितीय अध्याय में कुछ ऐसी बातें हैं जो समझने में ज्यादा कठिन भी हो सकती है और समझने की ज्यादा आवश्यकता भी है। पर इसका मतलब यह नहीं कि प्रथम अध्याय का महत्व कुछ कम है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में हम जाएं, उसके पहले श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसका महत्व कितना है। सभी वेद जितने हैं उनका सार वेदांत में है, अंत में, जिसे वेदांत कहा गया। वेदांत माने उपनिषद, और उपनिषदों का सार गीता में है, इसीलिए प्रत्येक अध्याय के अंत में आता है सु उपनिषद सु। सभी उपनिषदों का सार गीता में है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, आज की हमारी जो परिस्थिति है, बाह्य एवं अंत दोनों प्रकार से हम देखें तो विषम परिस्थिति है, कई समस्याएं हैं। इस परिस्थिति में वृंदावन लीलाधारी श्री कृष्ण, बंशीधारी श्री कृष्ण के बजाय गीता में जो सिंहनादकारी जो श्री कृष्ण है, उसकी हमारे देश में अधिक आवश्यकता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। श्री रामकृष्ण देव गीता का सार कहते हुए कहते थे, वे भी कहते थे कि गीता सभी शास्त्रों का सार है और गीता के अध्ययन के लिए बहुत महत्व देते थे, एवं उन्होंने कहा था कि गीता का सारा सार आ जाता है यदि हम गीता को बारंबार बोलें, गीता 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 गी तागी 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 तागी। गीता माने तागी, तागी माने त्यागी, त्याग करो त्याग करो त्याग करो, यह गीता का सर्व पूरा उसमें सारांश आ गया। पर किस चीज का त्याग करो? संसार का त्याग करो, सन्यासी हो जाओ सभी। यदि ऐसी बात रहती तो अर्जुन तो सन्यासी ही बनना चाहता था, पहले अध्याय में तो बोलता ही है मैं भिक्षा वृत्ति ग्रहण करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान के बहुत खुश हो जाते, अरे बहुत अच्छा है, चल ले ले गेरुआ, ले ले बन जा सन्यासी, उसके बदले फटकारते हैं। तो त्याग बहुत प्रकार की त्याग का वहां पर कहा गया, बारंबार हम बोल देखते हैं, हर एक अध्याय में अलग अलग प्रकार के त्याग की बात कहते हैं। द्वितीय अध्याय में कहेंगे निर्बलता का, अपुरुषता का त्याग कर, फिर कहेंगे आसक्ति का त्याग कर, और इस अंत में अहंकार का त्याग कर अंतिम अध्याय में। इस प्रकार से धीरे धीरे हमें अपने त्याग, सर्व त्याग की ओर वे अग्रसर करते हैं। गांधी जी कहते थे कि जब कोई शब्द की स्पेलिंग मुझे ढूंढनी होती है तो मैं डिक्शनरी देखता हूं, अब जब कोई समस्या आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो उसके समाधान के लिए मैं गीता को ढूंढता हूं, डिक्शनरी ऑफ कंडक्ट, ये वो कहा करते थे गीता, गांधी जी। और गीता पर कितने लोगों ने भाष्य लिखे, आदि शंकराचार्य, श्रीधर और मधुसूदन सरस्वती, बहुत सारी टीकाएं, बहुत सारे भाष्य हैं, ये प्राचीन समय में देखते हैं, और फिर अर्वाचीन समय में लोकमान्य तिलक, गांधी जी ने भी गीता के बारे में कहा, इस प्रकार से कई लोगों ने कहा, कई विद्वानों, विदेश के कई विद्वानों ने कहा।
तो ये सब की यदि हम उन लोगों के जो ओपिनियन है उनका जो मंतव्य वो लेने का प्रयास करें और व्याकरण के अनुसार पदच्छेद करते हुए करें तब तो द्वितीय अध्याय के एक दो श्लोक ही हो पाएंगे। इसलिए हम उतने अधिक चर्चा में नहीं जाएंगे, परंतु जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं, सभी श्लोक ले लेंगे, अनुवाद तो ले लेंगे, परंतु जो मुख्य श्लोक हैं उसका सारांश हम लेने का ग्रहण करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। आज के इस युग और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स उसमें क्या कहा गया, गीता इज द मोस्ट बिलवेड एंड मोस्ट वाइडली रेड स्क्रिप्चर इन इंडिया, मोस्ट बिलवेड एंड मोस्ट वाइडली रेड स्क्रिप्चर इन इंडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स ने कहा। पर सचमुच में न केवल भारत में, समस्त विश्व में वो सबसे अधिक पढ़ा हुआ, सबसे अधिक सुप्रसिद्ध यह ग्रंथ है गीता। एक मैनेजमेंट के सेमिनार में बात हो रही थी, पूरे विश्व में अभी एक नए प्रकार का मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है। सबसे पहले मैनेजमेंट के क्षेत्र में वेव आई थी ब्रिटिश स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद में सभी लोग अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट करने लग गए, फिर तीसरी वेव आई जापानी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, अभी चौथी वेव आ रही है सारे विश्व में मैनेजमेंट या लीडरशिप के क्षेत्र में इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इथोस, प्रैक्टिकल वेदांता, वेदांतिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। सभी जगह विदेश में फोर्ड कंपनी है, बोइंग कंपनी है, अमेरिका में, नेदरलैंड में, सभी जगह वो लोग भारतीय पद्धति के अनुसार मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की बातें हो रही थी, तो किसी ने प्रश्न पूछा, भाई ये बात तो सब ठीक है, आप भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की बात करते हैं, पर ये जो ज्ञान आप बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल है क्या? हमको तो प्रैक्टिकल चाहिए, वो प्रैक्टिकल है? तब हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, अच्छा प्रैक्टिकल किसको कहेंगे? मैनेजमेंट की एक किताब जो प्रकाशित हुई है, एक मैनेजमेंट की किताब प्रकाशित हुई है, वो मान लो 10 एडिशन उसके हो जाए, उसकी 1,00,000 कॉपी बिक जाए तो अच्छी मानी जाएगी, प्रैक्टिकल विजडम है, 1,00,000 कॉपी बिक गई। हाँ, और यदि दूसरी किताब उसकी 10,00,000 प्रतियां बिक गई तो उसे ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, तब तो ज्यादा बिकी ना, क्योंकि उसमें ज्यादा विजडम है, लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, तो उसकी 10,00,000 कॉपियां बिक गई। तो एक किताब ऐसी है जो 10 साल से लाखों प्रतियां बिक रही है, मैनेजमेंट की किताब है, तो उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल विजडम होगा तभी तो बिक रही है, लोगों को उससे फायदा हो रहा है तभी तो बिक रही। बोले हाँ, एक किताब ऐसी मैनेजमेंट की पिछले 5,000 साल से बिक रही है, बाकी सब किताबें तो आउट ऑफ प्रिंट हो जाती, फिर दूसरा एडिशन निकलता ही नहीं कभी, इसके तो कई एडिशन निकलते रहते 5,000 साल से रीप्रिंट हो रही है, लाखों प्रतियां कितनी देश विदेश की भाषाओं में अभी भी प्रकाशित हो रही है, तो प्रैक्टिकल नहीं होगी तो क्यों होगी? लोगों को उससे प्रैक्टिकल फायदा हो रहा है तभी तो हो रही है। तो गीता इज द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक इन द वर्ल्ड, लाइफ मैनेजमेंट के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बेस्ट बुक, सर्वश्रेष्ठ किताब। और मजे की बात है, गीता हमें क्या सिखाती है? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत कोर्सेज हो रहे हैं, उसमें क्या मिलेगा तो आप लोग देख लीजिए, रुपया तो जाएगा बाद में कितना मिलेगा, पर गीता की छोटी किताब में आर्ट ऑफ लिविंग भी मिलेगी, आर्ट ऑफ डाइंग भी मिलेगा, जीना कैसे वो भी गीता सिखाती है, और मरना कैसे चाहिए, किस प्रकार से मरना चाहिए, अमृत्व को प्राप्त करना चाहिए, ये भी सिखाती है। नॉट ओनली आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग, साइंस ऑफ लिविंग एंड साइंस ऑफ डाइंग। साइंस किसे कहते हैं? कि हमें विश्लेषण करके बता दे कि उसके पीछे का रहस्य क्या है, जीवन क्या है, क्यों मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर क्या है, क्या सचमुच में मनुष्य जीवन का आदर्श है, क्या उसका महत्व है, ये साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ डेथ, ये भी हमें मिलेगा गीता में, और आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग ये भी मिलेगा। इसलिए भगवद गीता ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, खास करके अभी आजकल की स्थिति में। आज शिकागो बेस्ड रिसर्च कॉरपोरेशन ने सर्वे करके देखा, 40% ऑफ द कंपनीज आर हैविंग रेगुलर कोर्सेज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे अधिक महत्व का सब्जेक्ट हो गया। अभी तक हम लोग बाबा जी लोगों को कंपनी में बुलाते थे तो दूसरे दूसरे सब्जेक्ट पर कहने को बोलते थे, मैनेजमेंट, इंडियन इथोस वगैरह पर, अभी बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बोलिए, सभी लोगों को टेंशन में है, स्ट्रेस मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आ गई, अभी ग्लोबलाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही है, क्राइसिस आ गई है,
कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ किताब है भगवद गीता। स्ट्रेस मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट की सर्वश्रेष्ठ किताब है भगवद गीता। आज के मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के लिए सर्वश्रेष्ठ गाइड है भगवद गीता। लीडरशिप में आपका सबसे अधिक आज बोलबाला है, लीडरशिप के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में जिस लीडरशिप को आज सबसे अधिक आधुनिक माना जाता है वो है सर्वेंट लीडरशिप। और ये सर्वेंट लीडरशिप सब लोग बोलते हैं, किसने सिखाया? रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने सिखाया। 10 साल पहले उसने पुस्तक निकाली, सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट उसने इवॉल्व किया। परंतु रॉबर्ट ग्रीनलीफ नहीं जानता है ये सर्वेंट लीडरशिप सबसे पहले सिखाई श्री कृष्ण भगवान स्वयं ने 5000 साल पहले। खुद सर्वेंट बने, सारथी बने, किंग मेकर थे, राजा नहीं थे, राजाओं को बनाते थे, कौन राजा बनेगा कौन है, परंतु खुद स्वयं सारथी बने अर्जुन के। कितना, कितनी ह्यूमिलिटी, कितनी नम्रता, किस प्रकार से हम शून्यता, एक साधारण सारथी के रूप में काम कर रहे हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सारे विश्व का दे रहे हैं। ये बेस्ट लीडरशिप इज अ सर्वेंट लीडरशिप, जिसका कॉन्सेप्ट अभी नया आ रहा है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, पर हमारे लिए नया नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले करके दिखाया था अपने जीवन के द्वारा। तो सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, आबाल वृद्ध, पुरुष स्त्री, धनवान गरीब, सभी के लिए भगवद गीता का अध्ययन बहुत महत्व का है, बहुत ही कल्याणकारी है और बहुत ही उपयोगी है। परंतु उसमें भी जो लोग अभी युवावस्था में हैं, टीनेजर हैं, अभी युवावस्था में आने वाले हैं, बच्चे में से अभी युवावस्था में जाने वाले हैं, जो अब जीने की कला सीखना चाहते हैं, बाल्यावस्था में जीने की कला सीखने की उनके पास बुद्धि नहीं है, और थोड़े से बड़े हो गए तब जो सीखना सीख जाते उसके बाद फिर कुछ होता नहीं है बात। तो ये जो अभी जीने की कला सीखना चाहते हैं टीनेजर्स, युवावस्था में जो पदार्पण कर रहे हैं उनके लिए, और अब जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, सब कुछ हो गया है, बच्चों की शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब राह देख रहे हैं, हमें अमृतत्व की प्राप्ति करनी है, मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, जो जीने की कला सीखना चाहते हैं, जो मरने की कला सीखना चाहते, उनके लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी। और सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए है? सबसे ज्यादा उपयोगी है जो अर्जुन जैसी परिस्थिति में है। अर्जुन की कैसी परिस्थिति थी? प्रथम अध्याय का नाम दिया गया अर्जुन विषाद योग। जिन लोगों के मन में विषाद आया है, इसका मतलब यह नहीं कि जिनको विषाद नहीं आया गीता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि विषाद आ सकता है जीवन में कभी भी। जब आएगा तो पहले से इक्विप्ड रहना बहुत अच्छा है, पहले से तैयारी करके रखना चाहिए, क्योंकि आएंगे, दुख आएगा, विषाद आएगा ही आएगा। खिचड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद को अचानक पूछ दिया, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी ने तुरंत जवाब दिया, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज नथिंग बट द स्ट्रगल ऑफ ए बीइंग अंडर द सर्कमस्टांसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। महाराजा जीवन क्या है? जीवन है संघर्ष। किसके विरुद्ध संघर्ष? उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष जो उनको हमेशा दबा देना चाहती है। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये कुरुक्षेत्र है, जीवन ही कुरुक्षेत्र है और कहीं कुरुक्षेत्र नहीं, ये जीवन कुरुक्षेत्र है। और हमारा स्वधर्म का पालन करते हुए हमें इस कुरुक्षेत्र में लड़ाई करनी है। किसके विरुद्ध? परिस्थितियां हमारे विपरीत जो आएगी उसके विरुद्ध ये लड़ाई करनी है। बाह्य परिस्थितियां और अंतःकरण की परिस्थितियां। अंतःकरण में कई दुर्गुण जो है उनका हमें सामना करना है, मन से हमें लड़ाई करना है, अचेतन मन में कई प्रकार के जो दोष हैं उनसे लड़ाई करनी है, और बाह्य जो परिस्थितियां हैं जो हमें दबा देना चाहती है। कितनी प्रकार की समस्याएं आती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, किसी को मैरिटल प्रॉब्लम होता है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम आता है, कितनी प्रकार की समस्याएं आजकल दुनिया में आती है, सामाजिक परिस्थितियां, देश की पॉलिटिकल सिचुएशन होने से कितने लोगों को बहुत खराब लगता है, कितनी प्रकार के, किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है, किसी को पत्नी के साथ नहीं बनता है, किसी का डिवोर्स हो गया, कितने प्रकार की समस्याएं जीवन में आती रहती। इन समस्याओं को आने के समय मन जब दुर्बल और निर्बल हो जाता है, अंतर में विषाद व्याप्त हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, हम क्या करें ना करें, और हिम्मत जब हार जाते हैं,
कुछ लोग तो यहां तक कि सुसाइड करने का प्रयत्न करते हैं, आजकल बहुत बढ़ गया है पूरी दुनिया में। अमेरिका में डेरेक हम्फ्रीज लॉक लिखित द्वारा पुस्तक है द फाइनल एक्सिट, बहुत बिक रही है। क्या लिखा है? हाउ टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या कैसे करना बताया, बहुत बिक रही है। और जापान की बेस्ट सेलर किताब का नाम है द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड, पूरी मार्गदर्शिका है, संपूर्ण मार्गदर्शिका आत्महत्या करने की। और 3.5 लाख प्रतियां बिक गई एक साल में, कितने लोग तो पुस्तक हाथ में लेकर के मर गए जैसे बताया था ऐसा। फ्रांस की बेस्ट सेलर पुस्तक का नाम सुसाइड यूजर्स मैनुअल। सभी जगह सुसाइड बढ़ रहे, भारत में भी बढ़ रहा है। और भारत में अभी भी 3 था पर लाख, अभी पर लाख 9 हो गया, 9 व्यक्ति प्रति लाख में भारत में आत्महत्या करते हैं, जबकि सोवियत रशिया में 65, अमेरिका में 45 पर लाख, हमसे 4 गुना 5 गुना बाकी देश विदेश में है। जहां पैसा ज्यादा है, हम लोग ऐसे समझते हैं कि पैसा आ जाएगा तो दुख कम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो प्रतिदिन 1500 लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों? टूट जाते हैं। क्यों? भगवत गीता नहीं पढ़ी है, पढ़ी है परंतु जैसे वो रिसाइट करते हैं रोज भगवत गीता का पाठ करते हैं परंतु उसका मीनिंग मालूम नहीं। अर्थ यदि उसका विश्लेषण करे तो कोई आदमी हिम्मत हारेगा नहीं, कभी नहीं हारेगा। क्यों? यहां पर जीने की कला सिखाई गई। हिम्मत जब हार जाता है, अर्जुन भी पूरा हिम्मत हार गया था, तब श्री कृष्ण भगवान ने कैसा डोज दिया ये देखिए। तब ये जब आएगा तो श्रीमद् भगवद गीता, आजकल तो दो आने में, पहले एक आने में दो आने मिलती थी, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये में मिलती है। अनुवाद सहित गीता, गीता प्रेस की 2 रुपये में, वो 2 रुपये की किताब अनुवाद सहित वाली किसी को दे दीजिए, पर धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। और अनुवाद पढ़ने के बाद जैसे तुरियानंद जी महाराज बोलते थे, एक एक श्लोक पर सारा दिन ध्यान करते थे, सुबह एक श्लोक पढ़ लिया, सारा दिन वही श्लोक आवृत्ति करते, उसके ऊपर चिंतन करते थे, क्या मीनिंग हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है, उससे उनको डीपर मीनिंग और आता था एक एक श्लोक पर। यदि हम सचमुच में एक एक श्लोक पर यदि हम लोग गहन अध्ययन करेंगे तो द्वितीय अध्याय 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, हमको तो 3 दिन में खत्म करना है। तो हम लोग उतना गहन नहीं जाएंगे, पर कुछ एकाध दो श्लोक ऐसे हैं जो सचमुच बहुत महत्व के हैं, उस पर जरा ध्यान देंगे। तो द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है, अथ द्वितीय अध्याय संजय उवाच, संजय के कहने से क्या लिखा, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। कितना सुंदर वर्णन कहा गया, किया गया अर्जुन का, कैसा अर्जुन है, करुणा से व्याप्त है, आंसुओं से पूर्ण है, व्याकुल नेत्र वाला है, शोक युक्त है। ऐसा अर्जुन आपको बहुत जगह दिखेगा, चारों ओर कितने लोग रोते हुए आते हैं, समस्या बहुत समस्या बहुत समस्या, बहुत टेंशन में हूं, सभी अर्जुन आते, परंतु भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जाते, यही प्रॉब्लम है, समस्या यही। भगवान श्री कृष्ण के पास जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से शोक वाले मधुसूदन, शोक वाले अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, यह संजय कहता है। तो पृष्ठभूमि का क्या है, जब हमारा मन इस प्रकार से विषाद से युक्त हो गया तब हमें जरा ज्यादा चाहिए, उस समय हमें दवाई की ज्यादा जरूरत रहती है, उस समय हम रिसीवर के मूड में रहते हैं, रिसेप्शन के मूड में रहते हैं, उस समय यह ज्ञान जल्दी उतरता है। वैसे भी हम लोग यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चय कुछ न कुछ फायदा होगा, पर जब हमारा मन कंफ्यूजन में है, जब हमारा मन विषाद युक्त है, जब हमारा मन अर्जुन के समान हो गया है, उस समय तो व्याकुलता पूर्वक यदि हम भगवान के पास जाएं तो हमें उससे विशेष लाभ होगा। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, कुतत् स्वा कषमलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। श्री कृष्ण भगवान की हालत तो देखिए, सबसे बड़ा जनरल,
सबसे बड़ा जनरल, आज यदि मान लो हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध हो और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा जनरल बोलेगा कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे बहुत डर लगता है, या फिर मैं ऐसा चाहता हूं कि नहीं शांति ही करना, समाधि समांति का समाधान करना ही ठीक है, ऐसा करके पूरा सब मिलिट्री वालों को सबको रोक दे कि भाई कोई चलाना मत, बाहर से भले जो आए, कैसी परिस्थिति उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या हालत होगी। तो श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने सब कुछ किया, संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे, शांति के लिए क्रांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, जब नहीं हुआ, असंभव हुआ कि नहीं युद्ध करना ही पड़ेगा, सब कुछ पहले समझा दिया गया कि नहीं युद्ध के बिना, पहले ही बोला श्री कृष्ण भगवान, बोले चलो लाओ तो जरा रथ को बीच में ले आओ तो सही, जरा देखो तो सही कौन कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन वगैरह मेरे साथ लड़ने के लिए आए, जरा देखो तो सही। इसका मतलब युद्ध के लिए तत्पर था, उसको पता था युद्ध करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। सब कुछ इतना सोच सोचने के बाद सब हो गया था, युद्ध की तैयारी हुई है, एक दो दिन की तैयारी नहीं है, उसके पहले कितनी बार संधि प्रस्ताव किया गया, बातचीत हुई, सब हो गया। उसने खुद ने कहा मैं स्वयं युद्ध करूंगा, और श्री कृष्ण भगवान का चलो रथ को ले आओ, मध्य के बीच में ले आओ, जरा देखो दुर्बुद्धि युद्धों को कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए। वहां जाने के बाद फिर जब देखा, वहां दुश्मन को नहीं देखता है, वहां अपने रिलेटिव को देखने लग गया, अरे मेरे भाई ये मतलब क्या है, यह है मोह। ये हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, मोह और आसक्ति आती है तब ज्ञान चला जाता है, तब हम लोग क्या बेवकूफ के समान बात करने लगते हैं। फिर उसमें दो प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बेवकूफ तो होते ही हैं पर अपने बेवकूफ को समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं बेवकूफ तो हैं पर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। इन लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, जो मोह से व्याप्त हो गए, खुद मोह से व्याप्त हैं, खुद अज्ञान में हैं, पर ऐसा समझते हैं मेरा काम दूसरे को ज्ञान देने का है और मेरे को दूसरे से ज्ञान लेना नहीं है, मैं समझता हूं वही ठीक है, इतना मोह का अंधकार आ जाता है, ये बड़ा प्रॉब्लम। पहला व्यक्ति जो है मोह से आच्छन्न हो गया, दुखी हो गया, वो तुरंत जाकर के बोलेगा भाई मुझे समझ में नहीं आता है, बड़ा मुश्किल है, तो उसको ज्ञान मिल सकता है, वो सोया हुआ है उसको उठाया जा सकता है। अब जो सोया का ढंग ढोंग क्या होगा, कोई नहीं उठा सकता जो सोने का ढोंग। तो ये जो है ज्ञान पापी, ये क्या करता है, वो मोह में आकर भी समझता है कि मैं ही ठीक हूं, ये सामने वाला गलत है, और मेरा काम है उसको ज्ञान देना। अभी अर्जुन को मोह ऐसा व्याप्त हो गया, दो मिनट पहले अलग बात कर रहा था, दो मिनट में अलग बात करने लग गया, मोह व्याप्त हो गया। समस्या क्या हो गई, मोह से व्याप्त होने के बाद भी वो ये समझता है मैं मोह में व्याप्त नहीं हूं, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और ज्ञान की बात बघारता है, और उपदेश किसको देता है, भगवान को उपदेश देता है। हम लोग भी भगवान को उपदेश देते हैं, हम लोग जब आसक्ति में पड़ जाते हैं या मोह में आ जाते हैं या इस प्रकार से आ जाते हैं, तो दो प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ लोग नम्र बन जाते हैं और कुछ लोग दूसरों को उपदेश देते हैं और भगवान का ही दोष ढूंढने लगते हैं कि भगवान ने ठीक नहीं किया, ये भी इसी ने ऐसे किया अर्जुन ने, श्री कृष्ण भगवान ने ही उनको ही ज्ञान बघाना शुरू किया, अरे ये युद्ध करके क्या होगा, वर्ण संकरता होगा, कितना लंबा भाषण दे दिया वहां पर युद्ध क्षेत्र में, लंबा भाषण, ये वर्ण संकरता को प्राप्त होगा इस प्रकार से, कितने लोग मर जाएंगे, ये क्या हमारे लिए उचित होगा, अरे इन लोगों को मान लो हम जीत भी जाएंगे तो उसके बाद तो हमको ये रक्त से सनी रोटी को खाना पड़ेगा, यह क्या ठीक है, दो मिनट में ऐसा सब ज्ञान बघाना। तो ये सब पहले नहीं सोचा था, जब वहां जाकर के जब पांव जब कांपने लग गए, पैर कांपने लग गए, उसके बाद फिर ये ज्ञान आ गया कि नहीं ऐसा होना चाहिए। एक तो मोह में व्याप्त हो गया, दूसरा अपने आप को ज्ञानी मानता है और बोलता है कि ये ठीक नहीं है श्री कृष्ण, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करना चाहिए, और मैं नहीं युद्ध करूंगा, डिसीजन भी ले लिया और बैठ भी गया, गांडुल लेकर के बैठ भी गया, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब सोचिए श्री कृष्ण भगवान की क्या हालत होगी उस समय, जिस जो मेन जनरल है, दूसरा कोई बोलता भीम वगैरह तो उसको थप्पड़ मार के बोलता जा तो अभी थोड़ा सा खा पी क्या, अभी तो भूखा हो गया, अर्जुन पूरा जनरल चीफ कैप्टन ही बोलता मैं खेलूंगा नहीं, कैप्टन ही बोलता मैं खेलूंगा नहीं, तो क्या करेंगे इस परिस्थिति में। अब श्री कृष्ण भगवान देखिए कैसे लीडर है, साइकोलॉजी का भी उनको इतना ज्ञान है, साइकोलॉजी का भी ज्ञान है, बोलते अब ये जो है ये दूसरा टाइप का मोह व्याप्त है, पहला वाला नहीं है, पहला वाला रहता तो बोलता कि मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये दूसरा वाला है, इसके लिए तो हैवी डोज जरूरी है, माइल्ड डोज से नहीं चलेगा, और इसीलिए क्या कहा, पहले तो कहा अर्जुन तुमको इस विषम स्थल में
युद्ध क्षेत्र में आ गए, इस विषम स्थल में, ऐसी परिस्थिति में तुमको ये अज्ञान, ये मोह कैसे आ गया? पूरा रैशनलिस्ट बताते हैं, न तो ये कीर्ति को देने वाला है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण करने वाला है। अनार्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष, अनार्य मतलब वो आर्य जाति नहीं, आर्य बोलते थे जो लोग श्रेष्ठ पुरुष है उसको बोलते थे। और फिर दूसरा श्लोक में उन्होंने हैवी डोज देना शुरू किया कि नहीं ये तो नहीं होगा, हैवी डोज देना पड़ेगा। कहा क्या कहा, क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नई तत्त युपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। किसी भी पुरुष के लिए सबसे बड़ी से बड़ी गाली, सबसे खराब शब्द हो सकता है तो ये शब्द है क्लैब्यम, क्लैब्यम। और अर्जुन जैसा महान महावीर, उसको जब क्लैब्यम में कहा गया, समझ जाओ कितना वो तिलमिला गया होगा। तिलमिलाना तो चाहते थे, शॉक ट्रीटमेंट देना चाहते, बिना शॉक के होगा नहीं, उनको लगा था शॉक ट्रीटमेंट। इस प्रकार के जो न्यूरोसिस के जो पेशेंट आते हैं साइकोथेरेपी में, ऐसी बात है, उनको थोड़ा शॉक देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक के दो प्रकार के साइकोलॉजिकल पेशेंट, कुछ लोग पेशेंट है उसको दवाई से हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं दवाई से नहीं होता, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है, शॉक थेरेपी, तभी उसके बाद धीरे धीरे फिर दवाई काम करती है। श्री कृष्ण भगवान देखा भी दवाई से काम नहीं चलेगा, शॉक देना पड़ेगा। किसी भी पुरुष के लिए सबसे खराब शब्द हो सकता है, खास करके अर्जुन के लिए तो वो जो महावीर था उसको शब्द क्या कहा, क्लैब्यम। नपुंसक हो तुम, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्या बात कर रहा है तू, दुर्बलता की बात कर रहा है, कायरते की बात कर रहा है। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। हे परंतप, परंतप किसको बोलते हैं, जो शत्रु को तपाने वाला है, ऐसा तू परंतप हो करके ऐसी तू क्लैब्यम बात कर रहा है, इस प्रकार की कायरते की बात करता है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा युद्ध के लिए, खड़ा हो जा। इस प्रकार से जोरदार, एक बहुत पावरफुल शब्द कहे। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, आज हमारे देश में हमको इसी श्लोक की आवश्यकता है। हम लोग सब मानते हैं हम लोग सत्वगुणी हैं, अर्जुन के समान हम लोग भी मानते हैं हम बहुत सत्वगुणी हैं। बोले कोई सत्वगुणी नहीं है, तमोगुण सत्वगुण बाहर से एक दिखता है। बोले अभी तुमको रजोगुण की आवश्यकता है, बाद में सत्वगुण आएगा। तमोगुण दूर होने के बाद रजोगुण आता है, रजोगुण के बाद सत्वगुण आता है। हम लोग पहले से सत्वगुणी बन के बैठे हैं, सत्वगुण और तमोगुण। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जब प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक रहती है और बहुत कम रहती है तब नहीं दिखाई देता, अंधकार में दिखाई नहीं देता, और प्रकाश बहुत ज्यादा हो, यहां पर एक साथ बहुत सारे बल्ब हो जाए तो भी दिखने चकाचौंध हो जाएगी। उसी प्रकार से बाह्य रूप से हम देखेंगे तमोगुण और सात्विकगुण एक ही लगता है। सात्विकगुण भी कुछ काम नहीं करता है, परंतु उसने सब काम कर लिया है, अभी शांति से बैठा सारे दिन का काम निपटा करके। और दूसरा तमोगुण आलसी, काम शुरू ही नहीं किया है। ये दोनों में भेद है। हम लोग अपने आप को सोचने लग गए हम लोग सत्वगुणी है भारतवर्ष में। स्वामी जी कहा, ये सत्वगुण का ढोंग मत करो, पहले उठो, खड़े हो जाओ, काम में लग जाओ। उसी प्रकार से अर्जुन भी सोचने लग गया था, मैं सत्वगुणी हो गया हूं, अब मैं श्री कृष्ण भगवान को ज्ञान दूंगा। नहीं भगवान, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। और इसीलिए स्वामी श्री कृष्ण भगवान का, अब ये तमोगुण में है, पहले इसको रजोगुण में लाना पड़ेगा, इसलिए हैवी डोज दिया, खड़े हो जा। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, आज हमारे देश में इस श्लोक की बहुत आवश्यकता है। सब लोगों को तमोगुण छोड़ करके रजोगुण में आना और खड़े हो जाना। दैनंदिन जीवन में जो युद्ध चल रहा है, समस्या जो है, भागना नहीं है, एस्केपिज्म है। ये एस्केपिज्म था, अर्जुन एस्केपिस्ट बनना चाहता था, समस्याओं को देख करके डर गया, भागना चाहता था। जो आत्महत्या करते वो यही करते हैं, समस्या से डर जाते हैं, बोलते मैं समस्या से जूझ नहीं सकूंगा और इसलिए क्या करूंगा, आत्महत्या करूंगा। पर ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं मरने के बाद कोई मरता नहीं है, फिर उसको जन्म ग्रहण करना पड़ता है। और जो आत्महत्या करता है उसको कहते हैं प्रेत योनि में कुछ दिनों तक रहना पड़ता है, कुछ समय तक उसमें और दुख मिलता है, और फिर जहां से शुरू किया था वहां से फिर शुरू करना पड़ता है कर्म के सिद्धांत के अनुसार। तो रिवर्स जर्नी हो गई, पहले से इतना सारा दुख था इसलिए तो दुख भोग रहा है, उसके कारण तो आत्महत्या के सोच रहा है। अब नया जन्म मिलेगा, उसमें फिर से वहीं पर आएगा, वही परिस्थिति आएगी, फिर से वही परिस्थिति आकर के वो दुख सहन करना पड़ेगा, प्लस ये आत्महत्या जो किया
जानबूझ के इस अमूल्य जीवन को उसने दे दिया, उसका जो पाप लगेगा उसका कर्म और बढ़ जाएगा, उतना दुख और ऐड हो जाएगा। अभी दुख नहीं सहन कर पा रहा है इसलिए तो आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या करने के बाद दुख और बढ़ जाएगा, तो रिवर्स जर्नी हो गई।